सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है लाइफ स्प्रिंग असेंबली चर्च खलीसिया में। और ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर संडे हर रविवार के दिन हम इस तरह से एकत्रित होते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की कलीसिया में आके एक साथ मिल के परमेश्वर की स्तुति और आराधना गाते हैं। हम अपने घरों में तो करते ही हैं बाकी दिन, लेकिन ये जो विशेष दिन है जिस दिन हम लोग सब एकत्रित होते हैं और सारे मिल के जब परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, उनको महिमा देते हैं, ये बहुत ही धन्य एक समय है। तो आइए हम इस समय को और भी आगे हम उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें इस समय में। और हम लोग अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं परमेश्वर के आदर में। और क्योंकि वचन हमेशा यही आपको पता है कि कहते हैं कि जहां दो या तीन परमेश्वर के नाम से हैं उनकी उपस्थिति वहां है। हालेलुया। और हम सब मिलके भजन संहिता 36 के अध्याय से हम कुछ पढ़ना चाहेंगे। आप सब लोग अगर आपके पास बाइबल हो तो खोल लें मेरे साथ। भजन संहिता 36 अध्याय 36 उसका वचन 5-10। आइए हम साथ में मिलके पढ़ेंगे। हे प्रभु, तेरी करुणा स्वर्ग तक महान है और तेरी सच्चाई मेघों को छूती है। तेरी धार्मिकता उच्च पर्वतों के समान महान है। तेरे न्याय सिद्धांत अथा सागर के सदृश गहरे हैं। प्रभु, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे प्रभु, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं, वे तेरे घर के विभिन्न व्यंजनों से तृप्त होते हैं। तू उन्हें अपनी सुख सरिता से जल पिलाता है। तेरे साथ ही जीवन का स्रोत है, तेरी ज्योति ही हम ज्योति देखते हैं। जो भक्त तुझे जानते हैं उन पर तू अपनी करुणा करता रहा और सत्यनिष्ठों पर अपनी धार्मिकता बनाए रख। आमीन। इसी वचन का जब हम अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हैं तो पहला जो हमारा वचन है जिसमें कहते हैं हे प्रभु तेरी करुणा, लेकिन अंग्रेजी वचन अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में बोलते हैं कि योर अनफेलिंग लव, आपका कभी ना अचूक होने वाला प्रेम। वो ऐसा प्रेम है जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, पहाड़ों से भी ऊंचा है और सागर से भी गहरा है। आइए हम आज के दिन परमेश्वर को स्तुति दें, उनके प्रेम उनको प्रेम गीत से भर दें, उनको स्तुति दें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया है आज हमें उन्हें अपने गीतों के द्वारा उनकी स्तुति करें। आइए हम सब मिल के ये भजन परमेश्वर को स्तुति करें। Oh,
को प्यार है यीशु से? आइए एक साथ हाथ उठा के एक बार और अपने प्यार को अंगीकार करें। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार परमेश्वर जिसने हमसे पहले प्रेम किया, फिर हमने प्रेम किया उनसे, वो प्रेमी हृदय वाला परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमेशा के हमेशा हमारे साथ है, हमको अपने प्रेम से भरता है। बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में मैं अपनी गवाही अगर आपको दूं तो बहुत सारे ऐसे मानसिक और शारीरिक बदलाव से मैं गुजरी हूँ। तो कभी भी अगर हम कभी कभी मैं स्पेशली मैं जब वर्तमान के सिचुएशन में जब वर्तमान के परिस्थितियों में हम जब फंसते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम दुखी होते हैं या हम शायद कंफ्यूज होते हैं, चाहे हम शायद हम कुछ सोच नहीं पाते, उस समय हमेशा यही एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और मैंने जो सीखा है कि परमेश्वर हमेशा आपको अपने जीवन का जो पिछला बीता हुआ समय है वो ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर जब हम अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं तो परमेश्वर का जो करुणा है, जो उनकी भलाई है, वो एकदम निष्पष्ट रूप से हम सबको दिखती है। हालेलुया। इसीलिए कभी कभी हमें अपने पुराने जीवन को नहीं भूलना चाहिए, जहाँ परमेश्वर की भलाई और उनकी जो करुणा थी हमारे जीवन में कैसे बनी रही। अगर हम सब यहाँ खड़े हैं आज के दिन, ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा और भलाई है कि हम उन बीते हुए दो सालों में जिस भी तरह से हम उस बीते हुए दो सालों में गुजरे हैं और आज हम यहाँ खड़े हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, सिर्फ उनकी करुणा और भलाई की वजह से। हालेलुया। यहाँ तक परमेश्वर ने सहायता करी, इसीलिए उस चीज़ को देखते हुए हम आगे भी हम सोचते कि परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गाते हैं इस गीत को, परमेश्वर को स्तुति देते हैं। निराशा निंदा में थी जिंदगी, देखी का ना जिसकी ना मंजिल कही, दुख निराशा
परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर का वो प्रेम जिसने हमारी सहायता करी, जो हमारे साथ बनी रही। धन्य हो परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हैं प्रभु जी। धन्य हो आपका नाम प्रभु जी जो हमसे जुड़ा हुआ है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया अब तक, और परमेश्वर हम जानते हैं आगे तक भी प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी करुणा और भलाई सदा की है, ना वो आज की ना पिछले बीते दिनों की, लेकिन आगे भी प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, आपकी करुणा और भलाई हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। धन्य हो प्रभु का प्रेम जो हम पर बनी हुई है, ऐसा प्रेम जो कभी नहीं बदलता, ना ही वो अचूक प्रेम। उस प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण हम सब जानते हैं जो परमेश्वर ने क्रूस पे दिखाया। वो हमारी वजह से क्रूसित हुआ, वो हमारे लिए उस क्रूस पे गया, और वो सारे दुख भरी मृत्यु की सज़ा उन्होंने ली। लेकिन तीसरे दिन जब वो जीवित उठे, धो उठे, तो उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया, एक अनंत जीवन का वायदा जो उन्होंने हमें दिया। उनके इस प्रेम की तुलना कहीं नहीं। ऐसा अनोखा अद्भुत प्रेम हम और कहीं नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ यीशु और उनका जीवन, वही हमें दिखाता है वो प्रेम। हालेलुया। हो सकता है ये नया गीत हम गाने जा रहे हैं सबको नहीं आता होगा, हो सकता आता भी होगा, लेकिन कुछ भी है जो हम सब मिलके प्रभु की प्रशंसा करेंगे इस गीत के द्वारा। इस गीत में प्रभु जी, प्रभु का प्रेम हम गाते हैं और कैसे प्रभु ने हमें छुड़ाया और एक नया जीवन दिया। आइए हम स्तुति करें इस गीत के द्वारा। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान। मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी दिल जैसे तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार सीमा पार।
जो तेरे प्यार से मुझे अलग है कर सकता। अब ना कोई है डर, मैं जाऊं चाहे जिधर, ना है कोई ऐसा जो तेरे प्यार से मुझे अलग है कर सकता। जाओ चाहे जिधर, ना है कोई ऐसा जो तेरे प्यार से मुझे अलग है कर सकता। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमापार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा परमेश्वर ने किया, आइए हम उसे धन्यवाद कहें और अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि जो प्रेम उसने हमें दिखाया और वही प्रेम वो हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे से करें और उससे बढ़कर उससे करें। हालेलुया, उसके करीब आने से हमारा जीवन बदल गया, ये हम सब अपने जीवन की गवाही दे सकते हैं। इसलिए हमारे आभारी मन से आइए हम उन्हें धन्यवाद दें। यीशु
हम इस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने एक ऐसा प्रेम हमसे किया जो हमारी समझ के परे, ऐसा प्रेम जो कोई और दूसरा हमसे कभी नहीं कर सकता, एक ऐसा प्रेम जो स्थिर और अपरिवर्तित प्रेम है, हालेलुया, जो कभी बदलता नहीं,
हर परिस्थिति में उसका प्रेम हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस प्रकार पौलुस इस बात को कहता है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाइयां, ना गहराइयां और ना कोई और सृष्टि की कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है उससे अलग कर सकती है। हालेलुया। क्या कोई भी ऐसी दूसरी बात है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रेम एक सिद्ध प्रेम था। हालेलुया। और जो गीत अभी हमने गाया वो उस प्रेम के बारे में बताता है, वो प्रेम जिसे हम उस प्रेम की परिभाषा को हम उस क्रूस के ऊपर देखते हैं, जहां पर वचन में हम देखते हैं वो कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, यीशु को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई इस यीशु पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कि आज की सुबह आप आनंदित नहीं हैं, कि आप प्रसन्न नहीं हैं कि इस यीशु ने उस क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया ताकि आप और मैं उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा प्रेम, महान और असीम प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सच में कई बार तेरे इस प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये तेरा प्रेम ही है जिसने हमें आज तक और अभी तक स्थिर बनाए रखा है। क्योंकि यदि ये तेरा प्रेम ना होता तो हम सच में अपने पापों में डूबे हुए होते पिता, लेकिन तूने हमें खोजा, हमें पाया, हमें चुना अपने उस प्रेम के अनुसार और हमें बदल दिया अपने स्वरूप में ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। हालेलुया। और इसलिए यदि आज की सुबह हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, अपने हाथों को उठाकर इन गीतों को गा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तेरा प्रेम है। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए। उन्होंने सच में इस प्रेम को हम समझ नहीं पाए, और जैसा प्रेम तूने हमसे किया है होने दे इस प्रेम के अनुसार हम अपने जीवनों को जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम याद करते हैं भाई राजीव को, जबकि कल के दिन उनका एक सर्जरी हुआ, और पिता परमेश्वर आज की सुबह वो काफी दर्द में है। हमारी प्रार्थना ये है पिता परमेश्वर कि आप उन्हें छुईए, और पिता होने दीजिए जल्द से जल्द वो पूर्ण रूप से चंगे होने पाए, और खास रीति से वो दर्द जिसे वो महसूस करते हैं वो यीशु के नाम में दूर होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में खड़े हैं, और यदि तेरे लोगों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें तेरी चंगाई की आवश्यकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से क्यों ना हो, भावनात्मक रूप से क्यों ना हो, और सबसे बढ़कर आत्मिक रूप से क्यों ना हो, होने दे आज की सुबह अपने लोगों के जीवन में भी आप एक नए काम को शुरू करें। उन्हें छूइए पिता परमेश्वर, ताकि वे भी तेरे भवन से चंगे होकर के जाने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे तेरा पवित्र आत्मा हमारे मनों से बात करे। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं, और जितने बच्चे संडे स्कूल के हैं कृपया करके अपने संडे स्कूल क्लासेस की ओर आप जाइए। God has been so good to all of us. परमेश्वर हम सब के लिए भला बना रहा। Nice to see you all here this morning. और आज की सुबह आप सबको यहाँ पर देखकर मैं प्रसन्न हूँ। And what down and up, all of you are here today because of God's mercy. और चाहे आप ऊपर बैठे हों या नीचे बैठे हों, आप सब इस स्थान पर, इस भवन में हैं परमेश्वर की दया के कारण। And you are in the presence of God in His house. आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं उसके भवन में। And we want to keep His house little more clean and neat. और हम परमेश्वर के भवन को और थोड़ा सुंदर और साफ रखना चाहते हैं। Because God does not allow any
shabby business. क्योंकि परमेश्वर किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित कार्य को नहीं अनुमति देता. So help us. इसलिए हमारी सहायता करें. This is your place of worship. क्योंकि ये आपका आराधना का स्थान है. And you must have a desire to keep it all clean. और आपके पास एक इच्छा होनी चाहिए कि आप इस स्थान को सुंदर और साफ बनाए रखें. The most important part of this service is. और इस सभा का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है. Everything that happened from the first word, from the time of worship till the last prayer, it's all very important. और शुरुआत से लेकर वो पहले आराधना के गीत से लेकर अंतिम प्रार्थना तक सब बात आवश्यक है. But what is the most important part? सबसे महत्वपूर्ण बात है. It is very difficult to determine. इस बात का निश्चय करना बड़ा कठिन है. Worship, of course, is very important. और आराधना बहुत महत्वपूर्ण है. We begin with worshiping. हम आराधना के संग शुरुआत करते हैं परमेश्वर की. And the giving offering. और भेंटे देना. Is equally important. ये भी बराबरी रूप से महत्वपूर्ण है. That is an expression of our worship. ये हमारी आराधना को दिखाते हैं करते हुए. And giving a report or giving a testimony. या एक गवाही देना. That is important. ये भी महत्वपूर्ण है. Because that will encourage others. क्योंकि ये दूसरों को प्रोत्साहित करेगी. Because glorifying God for the good things He has done is important. क्योंकि परमेश्वर को हम महिमा देते हैं उन भली बातों के लिए जो उसने हमारे लिए. And then I don't have to tell you how important the Word of God is. और अब मैं ये नहीं आपको मुझे बताना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है. Then if at all we categorize. और अगर हमें इसका विभाजन करना भी पड़े. I will put the worship and the word of God are the most important part of our. तब मैं परमेश्वर की आराधना और उसके वचन को सबसे महत्वपूर्ण भाग में की जगह पर रखूंगा. And therefore may the Holy Spirit keep us awake and keep us alert to understand the word that is spoken here. और इसलिए होने दे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम सावधान बने, संवेदनशील बने रहें उस वचन के प्रति जो आज की सुबह पवित्र आत्मा हमसे बात करता है. I read a text last Sunday. पिछले रविवार को एक वचन को मैंने पढ़ा. How many of you remember that? आप में से कितनों को वो वचन याद है? Acts is right. It is from the book of Acts, but not 6. प्रेतों के कार्य के पुस्तक से है, लेकिन छठे अध्याय से नहीं. Second chapter. दूसरा अध्याय. Second chapter. I only read and then said a few words in the form of introduction. और हमने दूसरे अध्याय के 40वें वचन को पढ़ा था और 42वें वचन को और उसके शीर्षक के रूप में कुछ बातों को मैंने आपको बताया था. टुडे आई वुड लाइक टू गिव सम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दैट. और आज की सुबह मैं कुछ उसके और गहरी रूप से आपको समझाना चाहूंगा. इवन देन आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू फिनिश टुडे. और मुझे ये नहीं पता कि आज की सुबह मैं इसको खत्म कर पाऊंगा या नहीं. इफ आई डोंट ऑफ कोर्स वी ऑलवेज हैव नेक्स्ट संडे. और अगर मैं नहीं समाप्त कर पाया तो अगला रविवार भी हमारे पास है. मैं अगले रविवार को आपके सम्मुख And so let us read this passage one more time. और आइए इसलिए इस वचन को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे. Acts chapter 2. प्रेतों के कार्य दूसरा अध्याय. We will read from verse 41. और 41वें वचन से हम पढ़ेंगे. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे. ओके, कम ऑन, रीड ऑन टिल द एंड. नो, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी. वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था. Amen. Amen. The passage before us gives us an overview of things that gave the New Testament church
the ability to experience God's miraculous power and consistent growth. I have to break it down because otherwise he will miss certain things. The passage before us और ये वचन का वो भाग जो हमने अभी पढ़ा gives us an overview. वो हमें एक ऊपरी रूप से हमें इस बात को दिखाता और दर्शाता है. Things that gave the New Testament church उन बातों के विषय में जिसने नए नियम की कलीसिया को the ability to experience ये योग्यता दी कि वो इस बात को अनुभव करने पाएं God's miraculous power कि वो परमेश्वर के उस चमत्कारी सामर्थ को and also consistent growth और उस निरंतर बढ़त को अपने कलीसिया में देखने पाए. That's what we read and this church therefore is an ideal church a model church और इसीलिए पहली सदी की ये कलीसिया हमारे लिए एक उदाहरण की कलीसिया है. This overview is God's desire for any local congregation to be और इसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा है हर एक स्थानीय कलीसिया के विषय में. So what do I mean? इसका क्या मतलब है? Look into this passage. इस वचन की ओर देखिए. Whatever is mentioned here. जो भी बातें यहाँ पर लिखी हैं. That's what God desires for any local church. ओ उसी बात की इच्छा परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए रखता है. That's what God wants this church to grow in. और इसी इन्हीं बातों में परमेश्वर इस कलीसिया को भी बढ़ता हुआ देखना चाहता है. The miraculous power of God was present in it. परमेश्वर का वो चमत्कारी सामर्थ्य. And that is something the Holy Spirit himself produces the power. और ये एक ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा खुद लेकर के आता है जो है सामर्थ्य. This miraculous power cannot be produced by preachers shouting and loud voice and jumping up and down and all. और याद रखिए चमत्कारी सामर्थ्य प्रचारक के चिल्लाने या ऊंची आवाज में प्रचार करने से या उछलने कूदने से नहीं आता. And this kind of miraculous power which keeps the growth of the church very consistent. और यही वो चमत्कारी सामर्थ्य है जो कलीसिया की बढ़त को निरंतर बढ़ाते हुए चलता है. Only the Holy Spirit can produce such power. और सिर्फ पवित्र आत्मा ही ऐसे सामर्थ्य को ला सकता है. And therefore, और इसलिए, it is you read that in 43 and 47. इस बात को आप 43वें और 47वें वचन में पढ़ते हैं. Then look at what 43 says. और देखिए 43वें वचन में क्या लिखा है. When that miraculous power produced by the Holy Spirit was present in the early church. और जब वो चमत्कारी सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा उस नए नियम की कलीसिया में प्रस्तुत हुआ. Then fear came upon every soul. तब सब लोगों पर भय छा गया. And many wonders and signs were done through the apostles. और तब बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे. And it is also mentioned in 47 another miraculous thing. और एक और बात जो 47वें अध्याय में लिखी है. And the Lord added to the church daily those who were being saved. और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था. And what does that mean? इसका क्या मतलब It means there are daily people were getting saved. इसका मतलब ये है प्रतिदिन लोग बचाए जा रहे थे. And that means और इसका मतलब every day these believers were witnessing for Jesus. और इसका मतलब ये हर दिन ये विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहे थे. Are we doing that today? क्या हम आज के दिन ऐसा कर रहे हैं? No, we have set days. नहीं, हमने तो बस दिनों को निर्धारित कर लिया. Only once or twice a year. साल में एक या दो बार. So this week is declared as the week of evangelism. और इसलिए इस हफ्ते को हम सुसमाचार प्रचार का हफ्ता घोषणा करते हैं. But how about other weeks? लेकिन दूसरे हफ्तों के विषय में क्या कहें? Evangelism should be a daily work of the church. और याद रखिए सुसमाचार प्रचार करना कलीसिया का प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए. So that is not happening. और ऐसा नहीं हो रहा. Then how can we expect growth? और इसलिए
कैसे हम बढ़त को फिर आशा लगाएंगे? इट इज द लेबर ऑफ द चर्च दैट गॉड रिवॉर्ड. ये तो कलीसिया का परिश्रम है, मेहनत है, जो परमेश्वर जिसका फल देता है. एंड दैट आल्सो मींस देयर वाज डेली बैप्टिज्म. और इसका मतलब ये भी था कि वहां प्रतिदिन बपतिस्मे हो रहे थे. इट इज थ्रू बैप्टिज्म दैट पीपल आर एडेड टू द चर्च. क्योंकि बपतिस्मे के द्वारा ही लोग प्रतिदिन कलीसिया में जोड़े जा रहे थे. दैट्स व्हाट वी रीड इन वर्स 42. और इसी बात को हम 42वें वचन में पढ़ते हैं. Those who believed Peter's message, और जिन्होंने पतरस के वचन पर या प्रचार पर विश्वास किया, that day, उसी दिन 3,000 souls were baptized. 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया. And they were baptized and और उन्होंने बपतिस्मा लिया. They were added to the church. और वो कलीसिया में जोड़ दिए गए. That this thing is Is God changed? No, He hasn't changed. क्या आपको लगता है परमेश्वर बदल गया है? नहीं. His power is not weakened. और उसका सामर्थ्य भी कम नहीं हुआ. The Holy Spirit is still the same. और पवित्र आत्मा भी अभी भी. His power is still the same. उसका सामर्थ्य भी वैसा ही. His ministry is still the same. उसकी सेवकाई भी वैसी ही. What He has done then through the church. और जब उसने पहली सदी की कलीसिया में किया. He is faithful and able to do even today. और विश्वास योग्य है कि आज के दिन भी वैसा कर सके. Because there are local churches. In the world and even in India, down south you go, every day there are churches who are baptized. क्योंकि विश्व भर में और यहाँ तक कि भारत में भी ऐसी कलीसियाएं हैं जो प्रतिदिन ऐसे कार्य हो रहे हैं. Then why not here in North India? तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? Why not in UP? और क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में? Why not in Lucknow? और क्यों नहीं लखनऊ में? Why not? क्यों नहीं? Is there any reason? क्या कोई कारण है? Of course there is reason. हाँ, कारण है. Because the church is sleeping. क्योंकि कलीसिया सो रही है. We look more of our comfort rather than the work of God. हम अपने आराम को देखते हैं इसकी बजाय कि परमेश्वर के कार्य को देखें. And it is therefore very important that we go through this passage. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वचन के इस भाग से होकर के and find out what enabled the first church to experience growth. और देखें किस प्रकार से कौन सी ऐसी बातें थे जिन्होंने उस पहली सदी की कलीसिया की, नए नियम की कलीसिया की सहायता करी बढ़त के लिए. Let me also say this. और मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूँ. Within the 50 years of the birth of church. कलीसिया के 50 साल के जन्म के उस काल में, उस उतने सालों में. Starting in the book of Acts chapter 2. और जिसे हम प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में शुरुआत देखते हैं. Within 50 years. 50 साल के भीतर ही. The entire known world were evangelists. और पूरे उस समय का ज्ञात जो संसार था उसके बीच सुसमाचार प्रचार हो गया. Thousands of churches were planted. और हजारों की गिनती में कलीसियाओं की स्थापना हुई. Was their circumstances different? क्या परिस्थितियां उस समय अलग थी? No. नहीं. In fact, we have a greater advantage. लेकिन हमारे पास तो और कई ज्यादा लाभ हैं. Today, many most people know about Jesus Christ. और आज के दिन तो ज्यादातर लोग यीशु के विषय में जानते हैं. Anywhere in the world. कहीं भी हो चाहे संसार. All the heathens know. और जितने भी गैर मसीह हैं सब जानते हैं. If you come to Kerala. अगर आप केरला राज्य में आएंगे. Even our non-Christian friends, you know, they all know the songs we sing and the preaching also they know. और हमारे जितने गैर मसीही मित्र हैं वो सारे उन गीतों को भी जानते हैं जो हम गाते हैं और यहाँ तक उन प्रचारों को भी जानते हैं. Why? क्यों? Because there are every day we go for open air meeting. क्योंकि प्रतिदिन जो है वहाँ पर सभाएं होती हैं. And conventions every year. और हर प्रकार की बड़े-बड़े सभाएं. Gospel preaching. और सुसमाचार का प्रचार. And so everybody knows. और इसलिए हर कोई जानता है. Even in North India today, everybody knows. और उत्तर भारत में भी आज के दिन. The message of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के संदेश. Okay. But. लेकिन. Those days. उन दिनों में. No city except Jerusalem knew about Jesus. उन दिनों में यरूशलेम नगर को छोड़ कोई दूसरा नगर यीशु के विषय में नहीं जानता था. And most countries were all, you know, worshippers of all kinds of gods. और उन except दिनों, Jesus. उन दिनों में और जितने दूसरे जो देश थे वो हर प्रकार के जो देवी देवताओं थे उनकी आराधना में लगे थे यीशु को छोड़. They did not know Jesus. वो यीशु को नहीं जानते थे. Their story, his story was not spread. और उसकी कहानी तब तक फैली नहीं. So the apostles had to preach the gospel to completely a
non-Christian environment. और इसलिए प्रेरितों को चेलों को एक ऐसे वातावरण में परमेश्वर की गवाही या सुसमाचार का प्रचार करना था जो पूर्ण रूप से गैर यहूदी. Many people did not know. और कई सारे लोग नहीं जानते थे. In that kind of a situation. और ऐसी परिस्थितियों में. Thousands of churches were established all over the world. हजारों की गिनतियों में कलीसियाओं की स्थापना हुई विश्व भर में. Why? क्यों? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वजह. And about the people, और लोग, the apostles and believers, और वो विश्वासी और प्रेरित, they were completely given themselves to the Holy Spirit, and the Holy Spirit was free to use anybody and everybody. और उन्होंने संपूर्ण रीति से खुद को पवित्र आत्मा के लिए दे दिया, और वो आजादी से स्वतंत्र थे कि पवित्र आत्मा उनका प्रयोग करे किसी भी जगह और किसी भी रीति से. It all began in Jerusalem. और इन सारी बातों की शुरुआत यरूशलेम में हुई. And that was the time, that was the place. First, the church was established. और यही वो स्थान था जहाँ पर पहली बार वो कलीसिया की स्थापना. And in that one city. और उस एक नगर में. What the condition? कैसी परिस्थितियाँ? The first believers. पहले विश्वासी. They gave themselves totally to four things. जो पहली सदी की जो पहली कलीसिया थी उस कलीसिया के विश्वासियों ने खुद को चार बातों के लिए दिया. And I think I mentioned last. और मुझे जहां तक याद है पिछले रविवार को मैंने इनके विषय में आपको बताया. Four essentials for a living, growing, strong church. कि चार ऐसे महत्वपूर्ण गुण जो एक जीवित बढ़ती हुई और मजबूत कलीसिया को दर्शाते हैं. And there is no substitute. और उसके लिए कोई और दूसरी बात इनकी जगह नहीं no ले सकती. No shortcut. कोई भी शॉर्टकट मौजूद नहीं है. The same principle apply today. और वही सिद्धांत आज के दिन भी लागू होते हैं. If the church today will give herself totally to these four essential things. और आज के दिन भी अगर कलीसिया खुद को इन चार महत्वपूर्ण बातों के लिए दे देगी. And then you see what. तब आप देखिए क्या होगा. What the Holy Spirit will do. और पवित्र आत्मा क्या करेगी. What are these four essentials? ये चार महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? Number one, apostles teaching. पहला है प्रेरितों से शिक्षा पाना. And fellowship. और दूसरा संगति रखना. Then breaking of bread. तीसरा रोटी तोड़ना. And then prayer. और चौथा प्रार्थना. What are these? ये कौन सी हैं? Can you repeat it? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? Of course you can. आप कर सकते हैं. And it is easy. और ये आसान है. They gave themselves to apostles' teaching. Say everybody, apostles' teaching. और सब मेरे पीछे कहें प्रेरितों से शिक्षा पाने. संगति. रोटी तोड़ने. सब बोलिए ना. एंड प्रेयर. प्रार्थना करना. Now can we all together say this? Shout it. क्या आप सब एक साथ मिलकर इसे ऊंची आवाज में कह सकते हैं? अपोसल्स टीचिंग. प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना करना. आमेन. आमेन. हालेलुया. लेट अस जस्ट प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. Now let me tell you this. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. The Holy Spirit has not replaced these four even till today. और पवित्र आत्मा ने इन चारों गुणों को आज के दिन तक बदला नहीं है. Instead of this, you do this. कि इसकी बजाय आप कुछ और करिए. Instead of fellowship, you do like this. सहभागिता की बजाय आप कुछ और करिए. Have a dinner program. एक खाने का सभा कर लीजिए. No, dinner program is included in the fellowship. और याद रखिए खाना होगा सहभागिता में. And then break. Breaking of bread. और वो रोटी तोड़ना. And prayer. और प्रार्थना. These are the four essentials. ये वो चार महत्वपूर्ण बातें हैं. The Holy Spirit has not replaced it. और पवित्र आत्मा ने इन बातों को बदला नहीं है. No. नहीं. He has not added anything. उस पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को जोड़ा नहीं. And he has not deleted anything. और किसी भी बात को हटाया नहीं. If we remain steadfast in these four matters. और अगर हम इन चारों बातों में मजबूत बने रहे. My friends, my brothers and sisters and my children, you can expect and experience the same thing that church experienced. तब मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आप भी उन बातों का अनुभव कर सकते हैं जो पहली सदी की उस कलीसिया ने अनुभव किया. एंड यू नो दीज फोर थिंग्स वर वेरी प्लेन एंड प्रैक्टिकल. और ये चारों बातें बड़ी साधारण और स्वाभाविक थी. दे वर नॉट डिफिकल्ट. और ये मुश्किल नहीं थी. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर ईच वन. और इसलिए आज की सुबह हम एक एक करके इनकी ओर बढ़ेंगे. एंड नंबर वन.
पहली बात. व्हाट इज नंबर वन? पहले कौन सी बात? शिक्षा पाने. किसकी शिक्षा? प्रेरित होंगे. ये प्रेरित होंगे शिक्षा क्या है वो हम समझेंगे अभी. ओके, व्हाट इज अपोसल्स टीचिंग? और ये प्रेरितों की शिक्षा क्या है? It refers to the teachings of the Lord Jesus Christ. और इस प्रेरितों की शिक्षा का मतलब है वो शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह की हैं. As received by his 12 apostles. जिनको या जिन शिक्षाओं को उसके 12 चेलों ने उससे प्राप्त किया. Who can recite me the names of 12 apostles? और कौन है आप में से जो मुझे उन 12 चेलों के नाम बता देगा? No, I don't take time. अब मैं समय नहीं लूंगा इस बात के लिए. Because I know that some of you will all get mixed up. क्योंकि आप में से कुछ उन सारे नामों को मिला देंगे. So, nevertheless, next Sunday I will ask. और लेकिन अगले रविवार को मैं आपसे पूछूंगा. So, come prepare. और इसलिए तैयारी करके आइए. You know, 12 apostles. 12 चेले. They received directly from the Lord Jesus Christ His teaching. उन 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से उसकी शिक्षा को ग्रहण किया. And apostles never added anything. और प्रेरितों ने उस शिक्षा में कुछ भी जोड़ा नहीं. Nor deleted anything. ना ही उन शिक्षाओं से कुछ हटाया. They presented to the world and to the church exactly the same way they received from the Lord Jesus Christ. लेकिन उन्होंने उन्हीं शिक्षाओं को जो उन्होंने यीशु से प्राप्त करी संसार और कलीसिया के सामने वैसे ही रखा. Uncompromising. बिना किसी प्रकार का समझौता किए. And undiluted doctrines. और बिना किसी मिलावट के. They were all doctrines. ये सारे सिद्धांत थी. Apostles doctrine. और प्रेरितों के सिद्धांत. You know, these days they try to have all the churches come together, let us be united. We can agree on matters, certain matters we all agree, certain others we may differ, but so differences we will set aside, and on that common ground we stand. That is a devilish teaching. और कई इन दिनों में होता यह है कि कलीसियाएं आपस में एक प्रकार का ऐसा संगठन बनाते हैं कि हम अपने जो अंतर हैं उन्हें अलग रख करके जो जिन बातों को हम एक बराबर मानते हैं उस जगह पर आएं और एक साथ कामों को करें, और ये शिक्षा गलत है. व्हाट इज द कॉमन ग्राउंड? वो एक स्थान क्या है? फॉर क्रिश्चियंस, मसीहों के लिए. देयर इज ओनली वन कॉमन ग्राउंड. सिर्फ एक ही वो स्थान है. फॉर एवरीवन, हर एक के लिए. फॉर एवरी डिनोमिनेशन, हर एक संस्था के लिए. फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक संस्था के लिए. देयर आर नो डिफरेंसेस, और कोई अंतर नहीं. And if one denomination does not agree with a certain other practices, then there is no common ground. और याद रखिए, इसलिए एक संस्था अगर किसी दूसरी संस्था के जो वो करते हैं या जिन सिद्धांतों को मानते हैं उन पर विश्वास नहीं करती, तब वो दोनों एक स्थान पर नहीं आ सकते. For certain activities, of course we cooperate. लेकिन कुछ कार्यों के लिए हाँ, हम उनका सहयोग तो करते हैं. For when everybody wants to come for prayer, जब हर एक प्रार्थना के लिए एक होना चाहता है, we cooperate. हम उनके संग सहयोग करते हैं. Evangelism, यीशु समाचार प्रचार की बात. We evangelize. हम जाते हैं. And anyone can join us. और कोई भी जुड़ सकता है. But that evangelism cannot be done by our own strategy. लेकिन वो सुसमाचार प्रचार हम अपनी योजनाओं से नहीं कर सकते. The strategies are given in God's word. क्योंकि वो योजना और किस पद्धति से उसे करना है ये सारा वचन में दिया. That's what we have to follow. और इसी बात के अनुसार हमें चलना है. So now you understand what apostles' doctrines are. और अब आप समझते हैं कि प्रेरितों की शिक्षाएं क्या हैं. I also mentioned it to you several times. Where do you find Jesus' teaching? और इस बात को भी मैंने कई बार आप सबको बताया है कि कहां पर आप यीशु की शिक्षाओं को पाते हैं. We found it in Matthew chapter 5, 6, 7. और मत्ती रचित सुसमाचार 5वां, 6वां और 7वां अध्याय. John's Gospel 13, 14, 15, 16. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक. And Matthew chapter 24 and 25. और मत्ती रचित सुसमाचार 24वां और 25वां अध्याय. And then all the lessons he taught us through parables. और वो सारी शिक्षाएं जो दृष्टांतों के द्वारा यीशु ने हमें दी. Jesus teachings are included in all this. और यीशु की शिक्षाएं सारी बातों में. That is why we must study the whole gospel. और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की पूरे सुसमाचार को पढ़ना अनिवार्य है. And that is what
this referred to. और इसी बात के लिए यहाँ पर बात किया गया. And the first disciples were deeply devoted to Christ's message only. और पहले तो जितने प्रेरित थे वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश और उसकी शिक्षाओं के प्रति संपूर्ण रूप से भक्ति रखते थे और समर्पित थे. And when he gave us the church's commission. और जब उसने वो महान आज्ञा कलीसिया को दी. Where do we read in his commission to the church? और उसकी इस महान आज्ञा को आप कहाँ पढ़ते हैं? Matthew chapter 28. मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय verses 16 to 20 और 16वें वचन से लेकर 20वें वचन तक. All over the world. कि आप विश्व पूरे संसार में जाओ. And preach my gospel. और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो. Making them disciples. और उन्हें चेला बनाओ. How? कैसे? By teaching them everything that I have taught you. वो सारी बातें सिखाते हुए जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं. Jesus did not give them any permission to interpret in their own way. और यीशु ने उन चेलों को ये कोई भी अनुमति नहीं दिया कि वो अपने रीति से बातों का अनुवाद करें. His command was. उसकी आज्ञा ये थी. Everything I have taught you. हर एक वो बात जो मैंने तुम्हें सिखाई है. As it is. जैसे मैंने. So we have no right to delete anything. और इसलिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम किसी भी बात को हटा दें. Add anything. और किसी नई बात को उसमें जोड़ें. This is the problem we face today. और इसी की समस्या का सामना हम कर रहे हैं आज के दिन. There are so many organizations. कितनी सारी संस्थाएं हैं. So many preachers and teachers. कितने सारे प्रचारक हैं और शिक्षक हैं. And among them there are so many false teachers and false prophets. और उनमें से कितने ही सारे जो हैं झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता हैं. In order to be able to understand. और इस बात को समझने के लिए. You yourself must have a thorough understanding of the teaching of Jesus by reading it. And meditating it and listening to it and know it. और इस बात को जानने और समझने के लिए आपको खुद पहले परमेश्वर के वचन का सही रीति से शिक्षा पाना, जानना और उस पे मनन करना जरूरी है। And brothers and sisters, please remember. मेरे भाइयों और बहनों याद रखिए। You know when you go to another place. जब आप किसी दूसरे स्थान में जाते हैं। What church you are looking for? आप किस कलीसिया को ढूंढते हैं? Some people say. कुछ लोग कहते हैं। I went there. This was the only church. So I went there. और कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ एक ही एक कलीसिया वहाँ पे थी इसलिए मैं वहाँ आई वेंट हियर और मैं इस स्थान पे गया. व्हाई? और आप पूछते हैं क्यों? दे आर आल्सो क्रिश्चियन. और आप कहते हैं अरे वो भी मसीह है. या दैट इज ट्रू. और हाँ ये तो सत्य है. बट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दैट आल्सो इज अ चर्च दैट डिक्लेयर द होल गॉस्पेल. लेकिन आपको इस बात को भी जानना जरूरी है कि क्या वो ऐसी कलीसिया है जो संपूर्ण पूर्ण रीति से सुसमाचार का प्रचार करती है. एंड देयर इज नॉट वन. और ऐसा एक नहीं. देन यू स्टार्ट वन. और तब आप जो है उसमें जुड़े. इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर. तो अगर नहीं है तो अगर ऐसा कोई भी कलीसिया नहीं है तो कुछ नया आप शुरू करिए. या यू स्टार्ट. आप शुरू करिए. यूज इट एट होम. आप घर पर बैठिए. आई नीड अ फुल गॉस्पल चर्च. कि मुझे एक संपूर्ण सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया चाहिए. दैट ऑनर्स एंड टीचेस द होल टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एज इट इज. जो प्रभु यीशु मसीह की संपूर्ण शिक्षाओं को बताती प्रचार करती और उसका आदर करती. एंड यू कॉन्टेक्ट अस. और आप हमसे मिलिए. पास्टर देयर इज नो चर्च लाइक आवर. और बोलिए अगर आप कह बता सकते पाजवान इस प्रकार का कोई कलीसिया नहीं है. Then you open your house. तब आप अपने घरों को खोलिए. Where a church can be started. जहां पर एक कलीसिया की शुरुआत हो सकती है. That's what some of the denominations do. और ऐसा ही कुछ संस्थाएं करती हैं. Especially there is one Pentecostal denomination. और खास रीति से एक पेंटेकोस्ट की संस्था ऐसी है. Someone from that denomination goes to a city. अगर उस संस्था से कोई व्यक्ति शहर की ओर जाता है. And if that city does not have a branch church of their denomination. और अगर उस शहर में उनकी संस्था का कोई ब्रांच कलीसिया नहीं है. Though there are other Pentecostal church the same doctrine. और भले ही वहां पर और दूसरी पेंटेकोस्ट की कलीसिया मौजूद हैं उसी सिद्धांतों के साथ. That family does not go there. तब वो परिवार वहां नहीं जाता. They sit there. वो अपने घरों में बैठते हैं. They contact their leaders. वो अपने अगुओं से बात करते हैं. And they send a missionary there. और वो एक सेवा कार्य करने वाले को वहां भेजते हैं. Charge their church. और एक वहां पर एक नई कलीसिया की शुरुआत करते हैं. But you know, some of us, we have been, that also is church, this also is church, you know, I can't go anywhere. That is the problem. They get into confusion by hearing what they preach. और इसलिए हम में से कुछ ऐसा सोचते हैं ये भी कलीसिया है ये भी कलीसिया हम तो कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन यही समस्या है क्योंकि अलग अलग शिक्षाओं को सुनकर वो गलत शिक्षाओं में पड़ते हैं. Just like the first disciples were deeply devoted to
Christ's teaching. जैसे कि पहले सदी के वो प्रेरित और चेले संपूर्ण रीति से भक्ति में प्रभु यीशु मसीह को समर्पित थे. We like the Lifespring assembly of assembly members. Wherever you go, make sure that you find a church exactly what we believe and what we preach. और इसलिए अगर आप Lifespring assembly के सदस्य हैं इस कलीसिया के, तो आप अगर कहीं पर भी परमेश्वर आपको लेकर के जाए, आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि ऐसी शिक्षा देने वाला कलीसिया में ही आप भाग बनेंगे. Because that's what Jesus told. Teach, make disciples of me by teaching them everything I have taught you. कि उनको चेला बनाओ उन सारी शिक्षाओं को देते हुए जो मैंने तुम्हें दी हैं. For that reason, और इस कारण, they paid close attention to those who had been directly commissioned by Jesus to deliver his original message. और इसलिए वो इनकी ओर खास रीति से ध्यान लगाते थे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुद भेजे गए थे उसके संदेश की घोषणा करने के लिए. And establish his church. और उसकी कलीसिया की स्थापना करने के. Therefore, in the first century, और इसलिए पहली सदी में, there were not 2,500 denominations. पहली सदी में 2,500 संस्थाएं मौजूद नहीं थी. There were not even 2 denominations. और यहाँ तक कि 2 संस्थाएं भी मौजूद नहीं. There's only one denomination. सिर्फ एक ही संस्था. What was it? वो क्या थी? What was that denomination? वो संस्था कौन सी थी? No. Pentecost. अब वो थी Pentecost. Pentecostals. Were Mary, the mother of Jesus, also a member of a Pentecostal church? और मरियम जो कि यीशु की माँ थी वो भी एक पेंतेकोस्त की कलीसिया की सदस्य थी. She was also among the 120 who received the baptism of the Holy Spirit. वो भी उन 120 में थी जिनके पास ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ. She also spoke in tongues. और उसने भी अन्य भाषाओं में बात की. And she also was involved in evangelism. और वो भी सुसमाचार प्रचार में लगी थी. Hallelujah. Hallelujah. There's only one, the Pentecostal assembly. और सिर्फ एक ही है और वो है पेंतेकोस्त की सभा. That was the only denomination for the first entire century. और पूरे पहली सदी में सिर्फ वही एक संस्था थी. And in fact, the first 200-300 years. और यहाँ तक कि पहले 100-300 साल तक. That was the only church existence. सिर्फ एक ही एक कलीसिया थी. So there was no confusion of denomination. और इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी किसी में नहीं थी. But then, how did these denominations start? लेकिन कैसे इन संस्थाओं का स्थापना हुआ? It all started by different interpretation of the scriptures. इन सारी संस्थाओं का स्थापना हुआ अलग-अलग वचन के अनुवाद के कारण. And then, और उसके पश्चात, when the Pope system started, जब ये पोप का जो प्रक्रिया ये इसकी शुरुआत हुई, they brought the whole idolatry into the church. तब वो कलीसिया के भीतर वो पूरा मूर्ति पूजा को ले आए. We need to be very careful. और इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना है. They brought so many kinds of confusion doctrines which was Jesus never even thought of. कि वो इसी प्रकार की अलग अलग सिद्धांतों को कलीसिया के भीतर ले आए जो यीशु ने कभी सिखाई नहीं, कभी शिक्षा नहीं. For God there is only two eternal places. और परमेश्वर के लिए सिर्फ दो अनंत के स्थान हैं. One is heaven. और एक है स्वर्ग. Hallelujah. Hallelujah. Where are you planning to go? और आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? The second one is hell. और दूसरा स्थान है नर्क. Both are eternal. और दोनों ही स्थान अनंत के हैं. And one place is for the saints of God who lived God fearing, God worshipping. चर्च. और एक स्थान इनमें से परमेश्वर के संतों के लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रीति से जीते. And the other hell is reserved for the devil and his demons. और लेकिन नर्क को तो परमेश्वर ने शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए निर्धारित कर रखा. Let me make it very clear. Don't forget what I am saying. कृपया करके मैं इस बात को आपको बता दूं स्पष्ट रीति से और आप इसे भूले ना. Hell is not made for humanity. याद रखिए नर्क को परमेश्वर ने मानवता
के लिए नहीं बनाया. I said this many times. इस बात को मैंने कई बार कहा. But it seems our memory is very short. लेकिन मानो ऐसा लगता है कि हमारा जो याददाश्त है वो बड़ी कमजोर है. But at least from now, don't forget. लेकिन कम से कम आज के दिन से मत भूलिए. Both are eternal place. दोनों ही स्थान अनंत के. One is for God's people who had acknowledged and accepted God's way of salvation, who is Jesus Christ. और एक स्थान है परमेश्वर के लोगों के लिए, संतों के लिए, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया और विश्वास योग्य बने रहे. Amen. Amen. And live a consistent Christian life. और निरंतर रूप से एक मसीही जीवन में बने रहे. Born again. और नया जन पाया. Baptized by immersion. और बपतिस्मा, डुबकी का बपतिस्मा लिया. Baptized in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया. With the speaking in tongues और अन्य भाषाओं में बात करते. And all the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का जो तोहफा वरदान है. And living a holy life. और एक पवित्र जीवन को बिताते. Serving God. परमेश्वर की सेवा करते. Fearing God. परमेश्वर का भय मानते. Preaching His gospel. उसके सुसमाचार का प्रचार करते. Raising and sending out missionaries. और सुसमाचार प्रचारकों को तैयार करते और उन्हें भेजते. Involved in His ministry. और उसकी सेवा से जुड़े हुए. Amen. Amen. Such people, the heaven is for them. और ऐसे लोगों के लिए वो स्वर्ग है. Amen. Amen. But though I say heaven is for devil and his demons. Go ahead. और अगर मान लीजिए मैं ऐसा कह भी दूं कि जो स्वर्ग है वो शैतान, वो जो नर्क है वो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए है. Majority of humanity will end up in hell. लेकिन तब भी ज्यादातर मनुष्य जो है, मानवता है, वो नर्क में ही जाएगी. Why? क्यों? Is it because God is sending them to? क्या ये ऐसा है कि परमेश्वर आपको नर्क भेज रहा है? No. नहीं. It is not God's desire for anyone to perish eternally in hell. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है किसी के लिए भी कि वो नर्क में उसका अनंत रूप से विनाश हो. It is for this reason that the coming of the Lord is delayed. और इसी कारणवश परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए वो देरी कर रहा है. Because the church is not doing its work fast. क्योंकि कलीसिया अपने दी गई जिम्मेदारी या कार्य को तेजी से नहीं कर रही. There are souls, you know, if the rapture takes place today. मान लीजिए अगर आज के दिन कलीसिया को उठाया जाना. How many thousands of people will go to be with the Lord? तब कितने हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर के पास जाएंगे? Lucknow city today has more than 6 million people. 600 6 was lakhs 60 45 lakh 50 lakh of people. और लखनऊ जो शहर है इसमें लगभग 50 लाख लोगों की जनसंख्या है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज लखनऊ डिस्ट्रिक्ट. और ये जो लखनऊ जो राज्य है, इस जो जनपद है, इसकी बात कर रहे हैं. आउट ऑफ दिस 45 लाख और 50 मैक्सिमम 50 लाख ऑफ पीपल. और मान लीजिए इन 50 लाख लोगों में से कितने डू यू थिंक देयर आर 1 लाख born again baptized people? क्या आपको ऐसा लगता है कि कम से कम 1 लाख नया जन्म पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए मसीह हैं? What do you think? आपको क्या लगता है? I don't think so. मुझे नहीं लगता. And the gospel has been preached to the city of Lucknow many many years. और क्योंकि जबकि लखनऊ शहर में कई सालों से सुसमाचार का प्रचार हो रहा है. There are so many thousands of homes where there is at least a New Testament. और इतने कई सारे हजारों की संख्या में घर हैं जहां पर नए नियम मौजूद हैं. But people are not convinced. लेकिन लोग कायल नहीं हैं. So most of the population of Lucknow will end up in hell. और इसलिए लखनऊ शहर की ज्यादातर जनसंख्या का अंत उस नर्क में होगा. That's why Jesus is delaying. और इसी कारणवश यीशु अपने आगमन में देरी कर रहा है. So the church cannot sleep. ताकि कलीसिया सोने ना पाए. The church must wake up. कलीसिया को ये समय है कि वो उठे. Do our best. हम अपना सबसे उत्तम करें. We want to pray for our city. हमें अपने शहर के लिए प्रार्थना करना. When the call to prayer is given, how many respond? और जब एक प्रार्थना के लिए सभा रखा जाता है, सूचना दी जाती है, कितने उसके उत्तर के प्रति आते हैं? I believe there is at least how many people are here right now? 150, nearly 200.
और लगभग 200 की संख्या में लोग आज की सुबह यहाँ मौजूद है, ऊपर और नीचे दोनों. सो व्हेन द प्रेयर इज गिवन आउट, और जब प्रार्थना के लिए सूचना दिया जाता है, हाउ मेनी कम, कितने आते हैं? नॉट इवन 20. 20 भी नहीं. नॉट इवन द टाइथ ऑफ 200 कम. यहाँ तक कि 200 का जो दसवा भाग है वो भी नहीं. And then we wonder, what is happening? Why? और तब हम सोचते और कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है. Oh my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, I like to see at least 200 to 300 people on Friday. मैं कम से कम 200 से 300 लोगों को आने वाले शुक्रवार के दिन इस प्रार्थना के लिए देखना चाहता हूं. Because it is not God's will for anyone to go to hell. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है पर किसी के लिए भी कि वो नर्क जाए. God will not send anybody. और परमेश्वर किसी को नर्क भेजेगा भी नहीं. But then why they go to hell? लेकिन फिर भी वो नर्क क्यों जाएंगे? I have a choice to make. मेरे पास चुनाव, मुझे खुद एक चुनाव करना. You have to make a choice. और आपको भी एक चुनाव करना है. Whether you want to spend your eternity in hell or in heaven. और वो चुनाव ये है कि क्या आपको अपना आनंद स्वर्ग में बिताना है या नर्क में. That's a choice that we have to place before the people. और ये वो चुनाव है जिसे हमें लोगों के समक्ष रखना है. No compulsion. और कोई दबाव नहीं. No force. और किसी भी प्रकार का दबाव या शक्ति नहीं. No. Even Jesus has never forced anybody to accept what he was teaching. और यहाँ तक कि यीशु ने भी कभी भी किसी पर दबाव नहीं बनाया उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए जिनका प्रचार वो करता था. One rich man came to Jesus. एक बड़ा धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया. With the right question. और एक सही सवाल के साथ. Came to Jesus. That means he came to the right person. और यीशु के पास आया इसका मतलब सही व्यक्ति के पास आया. And Jesus gave him the answer. और यीशु ने उसे उत्तर दिया. It was the right answer. और वो एक सही उत्तर था. So he had the right question. He came to the right man and he got the right answer. और इसलिए वो एक सही स्थान पर सही व्यक्ति के पास आया. उसके पास सही सवाल था और उसे सही उत्तर मिला. And the Bible says. और वचन में लिखा है. When he got the answer. जब उसे उत्तर मिला. He understood. वो उस उत्तर को समझा. And he left that place sad. लेकिन वो उस स्थान से दुखी होकर के निकला. And he left. और वो चला गया. Did Jesus go after him, pick him up by his hair and say, "You better do this"? No. क्या यीशु ने उसको दौड़कर उसके पीछे गया, उस पर दबाव बनाया, नहीं तू ऐसा ही कर? Even Jesus never forced. यीशु ने किसी के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया. We cannot force anyone. और हम भी किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते. But every man's choice matters. लेकिन हर एक मनुष्य का एक चुनाव वो मायने रखता है. And blessed are those who have acknowledged Christ in response to the understanding of the gospel of Jesus Christ. लेकिन धन्य है वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर के सुसमाचार को जानकर. And so please listen. और कृपया करके सुनिए. Apostles' teachings means whatever Jesus taught and handed over to the disciples. इसलिए प्रेरितों की शिक्षा का मतलब है जो कुछ यीशु ने सिखाया चेलों को और उन शिक्षाओं को चेलों को सौंप दिया. And it is expected of his church. और ये इस बात की आशा उसकी कलीसिया से लगाई रखी है. That the church deliver this message that Jesus taught. कि कलीसिया भी इसी संदेश को जो यीशु ने सिखाया. Undiluted and uncompromisingly. किसी प्रकार के समझौता और मिलावट को किए बिना. Must be taught to the people. लोगों को सिखाया जाए. And people must obey it. और लोग इसके प्रति आज्ञाकारी बने. And declared by the church. और इसकी घोषणा कलीसिया करे. That is our job. और ये हमारा कार्य है. That is what the first century Christians did. और इसी बात को पहली सदी के मसीह ने किया. Themselves diligently to learning the apostles' doctrine. उन्होंने खुद को दे दिया कि वो प्रेरितों की शिक्षाओं से सीखे, प्रेरितों से शिक्षा ले. What was the result? उसका परिणाम क्या आया? And the result of their hunger for God's word. उसका परिणाम उनके परमेश्वर के वचन के प्रति भूख का परिणाम ये. The early Christians were strong. जो पहले सदी के मसीह थे वो मजबूत थे. And they were spiritually nourished. और आत्मिक रूप से अपने पोषण को पाते थे. And grew strong in their faith. और अपने विश्वास में मजबूत और बढ़ते चले गए. And today, और आज के दिन,
Some people want to believe in Christ. कुछ लोग यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं. But they don't give themselves to this. लेकिन वो इन बातों के प्रति खुद को नहीं देते. So they don't grow strong. और इसलिए वो मजबूत नहीं बनते. And they are so weak. और वो निर्बल हैं. They succumb to any temptation. और किसी भी प्रकार की परीक्षा आने पर वो उसमें गिर जाते हैं. What is missing? A resolution. और किस बात की कमी है? वो है एक दृढ़ निश्चय. Man, you resolve it. You have to have a strong determination. लेकिन आपको एक अपने हृदय में दृढ़ निश्चय बांध लेना है, इस बात को ठान लेना है. I want to be obedient. कि मुझे आज्ञाकारी रहना है. Because I want to follow Jesus. क्योंकि मुझे यीशु के पीछे चलना है. He alone can change my life. और वो ही सिर्फ मेरे जीवन को बदल सकता है. He alone can change everything about me. हर एक बात को मेरे विषय में बदल सकता है. And my friends, to experience that you don't need 3 months or 6 months or 1 year. और मेरे मित्रों, इस बात को अनुभव करने के लिए आपको 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की आवश्यकता नहीं. The day I stood up in the church and declared to the congregation in the presence of God, I now today acknowledge Christ as my Lord and Savior and surrender my life to Him. जिस दिन मैं खुद को परमेश्वर को समर्पित करके कलीसिया में एक घोषणा को कर देता हूँ कि आज के दिन से मेरा जीवन यीशु का है. That same day, उसी दिन से, He changed my life. उसने मेरे जीवन को बदल दिया. The next 2-3 days, और अगले 2-3 दिन तक, I found myself visiting all my neighbors. मैंने खुद को देखा कि मैं अपने सारे पड़ोसियों के पास जाता था. I was only 10 years old. मैं सिर्फ 10 साल का था. All my neighbors loved me very much. और मेरे सारे पड़ोसी मुझसे बड़ा प्रेम रखते थे. Because I was a good boy. क्योंकि मैं एक अच्छा लड़का था. But then I visited every home. लेकिन मैं हर एक घर में जाता था. And I asked my uncles and aunties. और मैं अपने जो अंकल और आंटीज होते थे उनसे कहता था. You know, mean not my relative. You know, everybody is our uncles and aunties. Is it? Don't be. और उन दिनों में तो हर एक हमारा अंकल और आंटी था. Someone who is older than I is either my uncle or auntie. और जो कोई भी मुझसे उम्र में बड़ा था, या तो मेरे अंकल या आंटी हुआ था. Uncle, please forgive me if I was ever naughty or if I had done anything wrong. Auntie, please forgive me. और मैं इस प्रकार से उनसे कहता था कि अंकल और आंटी, यदि मैं आपके प्रति मैंने कुछ गलत किया हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें. And the aunties will come and pick me up. और जो आंटीज थी उस समय, वो आते थे, मुझे उठा लेते थे. And he said, अरे बेटा, what did you do? Why are you asking? You didn't know. You are a good boy. अरे तुमने तो कुछ नहीं करा है, तुम ऐसा क्यों कहते हो? But I was not laughing when I heard that. लेकिन जब मैं उस बात को सुनता था तो मैं हंसता नहीं था. I had tears in my eyes. मेरे आंखों में आंसू थे. And I asked auntie, but nevertheless, maybe I didn't do anything good. Please forgive me. Oh, beta, you know, they will all comfort me. और फिर भी मैं उनसे कहता था, मुझे क्षमा कर दीजिए. और वो सब मुझे सराहना करते थे, मुझसे कहते थे, तुम अच्छे हो. The change. वो बदलाव. And my conversion was not lifting my hands and then reciting a prayer. और मेरा जो बदलाव हुआ वो ऐसा नहीं था, हाथ उठाकर किसी प्रार्थना को दोहराना. Like Zacchaeus, I stood before the congregation. लेकिन ज़किया के समान मैं भी उस कलीसिया में खड़ा हुआ. And with tears in my eyes. और मेरी आंखों में आंसू थे. I have testified. और मैंने इस बात का गवाही दिया. You don't have to wait for 3 months to be changed. और आपको 3 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं बदलने के लिए. When Jesus comes into your heart. जब यीशु का आगमन आपके हृदय में होता you है. You open your life entirely, openly, and ask Him to control you. और आप अपने जीवन को उसके लिए खोल देते हैं और आप उससे ये विनती और प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जीवन पे नियंत्रण ले. That kind of conversion is very difficult these days. और इस प्रकार का परिवर्तन जो है इन दिनों में बड़ा मुश्किल है. People want to change. लोग बदलना तो चाहते हैं. But then there is no determination. लेकिन उनके हृदय में वो दृढ़ निश्चय नहीं. And that lack of determination. और जब वो निश्चित नहीं है. Cause them to drag on and they have problem again and again. Please pray for me. I am struggling. How are you? Well, I am trying. With your trying, it will never happen. और तब वो अपने उस विश्वास को
खींचते रहते हैं खींचते रहते हैं और उनसे पूछा जाता है तुम कैसे हो, कह रहे हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए। Give yourselves to the reading of God's word. आप खुद को दे दे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के। Attend to every Bible study. हर एक बाइबल अध्ययन का भाग बनिए। Listen. सुनिए and obey. और आज्ञा मानिए। Even when you don't understand. जहाँ तक आप समझ में ना आए फिर भी First you obey. पहले आप आज्ञा मानिए। Then you understand. तब आप समझेंगे। And that is God's way. और ये परमेश्वर का तरीका। I don't question. अगर कोई सवाल हो I don't question God. और मैं किसी से कोई सवाल नहीं पूछता। Not कोई I don't question God. और मैं परमेश्वर से कोई सवाल नहीं पूछता। God said it. परमेश्वर ने कहा। That is for my good. और मेरे भलाई के लिए। And I just have to obey. और मुझे उसके सिर्फ आज्ञाकारी बनना है। And follow His footsteps. और उसके कदमों अनुसार चलना। You stand with me. मेरे संग खड़े हो जाइए। Hallelujah. Hallelujah. As a result. और ऐसा परिणाम स्वरूप। The early Christians were very strong. और जो पहली सदी के मसीह थे वो बहुत मजबूत थे। They were spiritually nourished. और वो आत्मिक रूप से पोषण पाए हुए। And grew strong in their faith. और अपने विश्वास में मजबूती से बढ़ते चले गए। और इसलिए What do we say about the first church? हम इसलिए पहली सदी की कलीसिया के विषय में क्या कहते हैं? They were a word-centered church. वो पहली सदी की कलीसिया एक वचन को मध्य में रखने वाली उसके ओर चलने वाली कलीसिया थी। आमेन। आमेन। A word-centered और एक ऐसी कलीसिया जिसका मध्य परमेश्वर का वचन। Everything that church did was according to the word. और हर एक बात जो उस कलीसिया ने करी वो परमेश्वर के वचन अनुसार थी। Word-centered church. और वचन अनुसार कलीसिया। आमेन। आमेन। वचन के अनुसार। How do you say it to that circle? You know, word-centered, right? You know the वचन केंद्रित कलीसिया। वचन केंद्रित। Let everybody shout to वचन केंद्रित। वचन केंद्रित चर्च कलीसिया। That's what you know. I must be a word-centered person. और हमें भी परमेश्वर के वचन के केंद्रित जैसे मनुष्यों के समान बनना। Amen. Amen. A word-centered church is filled with word-centered people. और वचन केंद्रित कलीसिया जो वचन केंद्रित विश्वासियों से भरी हो। Young children. जवान बच्चों। And my brothers and sisters, और मेरे भाइयों और बहनों, please understand, कृपया करके इस बात को समझिए, there is no substitute to this. कोई और बात इस वचन का स्थान नहीं ले you सकते। You must be a word-centered person. आपको एक वचन केंद्रित मनुष्य बनना है। Everything has a reference to the word of God. हर एक बात का तुलना और हर बात का लेना देना परमेश्वर के वचन से है। And this church must be a word-centered church. और ये कलीसिया को परमेश्वर के वचन के केंद्रित कलीसिया बनना। And that's why I keep on emphasizing the need for us to have the word of God first. और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, इस बात के ऊपर दबाव बनाता हूँ कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। You read Romans chapter 10 verses 8 and 17. और रोमियों की पत्री उसका 10वां अध्याय। No, chapter 8. क्षमा करिए, रोमियों की 10. 10वां अध्याय verses 8 and 17. आठवां और सत्रवां वचन। या परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरा मुंह में और तेरे मन में है। आमेन। यह वही विश्वास का वचन है जो हमें प्रचार करते हैं। सत्रवां वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। वचन is what helps your faith to grow. और ये वचन ही है जो आपके विश्वास को बढ़ने में सहायता करता है। The word is near you. और वो वचन आपके निकट है। In your mouth and in your heart. आपके मन और आपके मुंह में। Hallelujah. Hallelujah. And we must therefore be a word-centered people. And a word-centered church. और इसी कारण वर्ष हमें वचन केंद्रित मनुष्य और वचन केंद्रित कलीसिया बनना है। No devil can defeat that church. और याद रखिए, ऐसे कलीसिया और ऐसे मनुष्य को कभी शैतान हरा नहीं सकता। I will build my church. और उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Upon what? किसके ऊपर? Upon Jesus the rock. मैं यीशु के ऊपर जो वो पत्थर है उसके ऊपर बनाऊंगा। And Jesus' name is the word. और यीशु का नाम ही वो वचन है। Because
Gospel of John chapter 1 verse 1. और यहूना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन. In the beginning was the word. आदि में वचन था. And the word was with God. और वो वचन परमेश्वर के पास था. And the word was God. और वो वचन ही परमेश्वर था. He was from the beginning. और वो शुरुआत से था. Through him all things were made. और उसके द्वारा ही हर एक बात की सृष्टि हुई. Nothing was made without him. और उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं जो बनाया गया. In him was life. उसमें ही वो जीवन था. In what? किस में? In the word. उस वचन में जीवन था. Life was the light of man. और ये जीवन इस मनुष्य का ज्योति बन गया. And the light shines in the darkness. और ये ज्योति उस अंधकार में चमकती है. But the darkness could not defeat it. Darkness could not understand. लेकिन ये अंधकार इस ज्योति को समझ नहीं पाया और ना ही हरा पाया. But you and I have the privilege of knowing the light and walking in the light. लेकिन आपकी और मेरे पास वो सौभाग्य है कि हमने इस ज्योति को जाना और इस ज्योति में हम चलते हैं. Come and lift up our hands to God. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं. Wholeheartedly let us worship God. और संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करें. Praise the Lord. और परमेश्वर की स्तुति करें. Hallelujah. Hallelujah. The word of God. परमेश्वर का वचन. For the Bible also says in that same chapter in Romans. और रोमियों की पत्री उसी 10वें अध्याय में वचन ये भी कहता है. With the heart you believe. आप हृदय से विश्वास करते हैं. And with the mouth you confess. लेकिन मुंह से अंगीकार करते हैं. Then your salvation is complete. और उसके पश्चात आपका उद्धार संपूर्ण होता है. Hallelujah. Just worship the Lord. आइए परमेश्वर की आराधना करें. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be God the Father in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Glory.